नमस्कार, आप देख रहे हैं तरकश। मैं हिमांशु द्विवेदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जंग नंदीग्राम विधानसभा सीट को लेकर लड़ी जा रही है, क्योंकि यह सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। इस सीट से एक ओर जहां बंगाल की दीदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहीं उनके खिलाफ बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। यह सीट सिर्फ ममता बनर्जी के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल बन पड़ा है। यही कारण है कि बीते दिन मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम में रैली और रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई थी। 1 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान का सबसे हॉट सीट नंदीग्राम का रण वोटिंग से पहले और ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। कभी जय श्री राम के नारे को लेकर सड़कों पर जमकर हंगामा करने वाली प्रो मुस्लिम छवि से परिपूर्ण मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन रोकने वाली दीदी इन दिनों चुनावी सभाओं में चंडी पाठ करते हुए अपनी गोत्र तक बताने में छलांग मारी हैं। बता दें कि ममता ने त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पुजारी से जुड़ा वाक्य बताते हुए अपने शांडिल्य गोत्र और ब्राह्मण होने का जिक्र किया था। बंगाल चुनाव में कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नंदीग्राम में जहां ममता को उम्मीद थी कि वो एक तरफा मुस्लिम वोट पाकर कुर्सी के लिए दहलीज पार कर लेंगी और हिंदू वोट बंट जाएगा, वहीं अब उन्हें अचानक बीजेपी के हिंदूवादी बयानबाजी को देख ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे जीत की रेखा तक नहीं पहुंच पाएंगी। बंगाल चुनाव के लिए एक ओर जहां ममता को प्रो मुस्लिम माना जाता रहा है और बीजेपी को शुरू से ही प्रो हिंदू, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को किसी ने एंटी मुस्लिम करार नहीं किया है, लेकिन दीदी को कई दफा एंटी हिंदू होते देखा गया है। यही वजह है कि दीदी को हिंदू वोटरों का डर अब हार के रूप में सताने लगा है। आपको बता दें, दीदी द्वारा शांडिल्य गोत्र बताए जाने को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता मंत्री गिरिराज सिंह लगातार हमलावर होते देखे जा रहे हैं। गिरिराज सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं कि रोहिंग्या को वोट के लिए बसाने वाले, दुर्गा काली पूजा को रोकने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले अब हार के खौफ से गोत्र पर उतर गए हैं। शांडिल्य गोत्र सनातन और राष्ट्र के लिए समर्पित है, वोट के लिए नहीं। साथ ही अपने एक और ट्वीट से तंज कसते हुए कहा है कि ममता दीदी, अब तो पता करना होगा कि रोहिंग्या और घुसपैठियों का भी गोत्र शांडिल्य है क्या। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।